असलकम डर स्टूडेंट्स आई होप यू आर आर डूंग वेल दिस इज़ यम्प्यूटर क्लास एंड वी आर रीडिंग चैप्टर नंबर फाइव एडिटिंग विद एम एस वर्ड एंड टूडे आर टॉपिक विल बी कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट दिस इज़ द पार्ट फाइव ऑफ द वीडियो सो स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट तो स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी और मूव कैसे कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो यहाँ पे मैंने कुछ डमी टेक्स्ट टाइप किया है तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम टेक्स्ट को कैसे कॉपी कर सकते हैं तो टेक्स्ट को कॉपी करने का सबसे पहला मेथड ये है कि जिस भी टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है सबसे पहले आप उसे सिलेक्ट करें तो जैसे यहाँ पे मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ और उसके बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी कीज प्रेस करें और जहाँ पे भी आपको अपना कॉपी टेक्स्ट चाहिए वहाँ पे आप अपने माउस का कर्जर ले जाए और उसके बाद आप अपना टेक्स्ट पेस्ट करें कंट्रोल प्लस वी कीज प्रेस करके तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्लस वी प्रेस किया और जो कॉपी टेक्स्ट था वो निव लोकेशन पे पेस्ट हो गया तो अब हम यहाँ पे दूसरा मेथड देखते हैं जिससे हम टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं तो टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए सबसे पहले आप फिर से यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप टेक्स्ट पे राइट क्लिक करेंगे और आपको एक पॉपअप मेन्यू मिलेगा यहाँ पे और यहाँ पे आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो कॉपी पे क्लिक करने के बाद जिस भी लोकेशन पे आपको टेक्स्ट चाहिए अपना वहाँ पे आप अपना कर्ज़ ले जाएंगे और वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पॉपअप मेन्यू में आपको पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा तो आप यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमारा टेक्स्ट कॉपी हो गया तो अब हम सीखेंगे हम एम एस वर्ड में टेक्स्ट को कैसे मूव कर सकते हैं और टेक्स्ट को मूव करने का मतलब क्या होता है टेक्स्ट को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ले जाना तो टेक्स्ट को मूव करने के लिए सबसे पहला मेथड ये है कि जो भी टेक्स्ट आपको मूव करना है उसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया उसके बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट कीज प्रेस करोगे दैट मीन्स आप कट करेंगे टेक्स्ट को और उसके बाद जहाँ पे भी आपको अपना टेक्स्ट चाहिए वहाँ पे आप अपने माउस का कर्जर लेंगे और कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस वी कीज़ प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा तो अब हम दूसरा मेथड देखते हैं टेक्स्ट को मूव करने का जो भी टेक्स्ट हमें मूव करना है सबसे पहले हम उसे सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप मेन्यू मिलेगा और यहाँ पे आप कट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये यह देखिए यहाँ पे आप कट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जिस लोकेशन पे आपको अपना टेक्स्ट चाहिए वहाँ पे आप अपने माउस का कर्जर प्लेस करें उसके बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और पॉपअप मेन्यू में आपको पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा उस पर आप क्लिक करें और आपका टेक्स्ट एक नई लोकेशन पे मूव हो जाएगा तो इस तरह से हम एम एस वर्ड में अपने टेक्स्ट को कॉपी और मूव कर सकते हैं नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय अल्लाह हाफिज़